जितने भी इंडिया के पंडित हैं ना इस वक्त, अच्छा, वो मंदिरों में बैठे हुए हैं सर। अच्छा। और डे नाइट वहाँ पे इनके ऊपर जो है ना कुछ फूंका जा रहा है। इनके बूते हैं क्वालिफाई करने वाले, इनकी शक्लें हैं, इनकी शक्लें लानते भेजने वाली हैं। इनके इनसे बंदा गटर साफ करवाए, इनसे खान बाबा तवे पीस पे जाके किचन में इनसे बर्तन धुलाओ, इनको पता लगे। पाकिस्तान से गए हुए गधे, पाकिस्तान से गए हुए टट्टू, पाकिस्तान से गए हुए सियासतदान, पाकिस्तान से गए हुए दोस्त यार, पाकिस्तान से गए हुए मौलवी, इंडिया में नमाजें पढ़ने वाले, अपना काम जिसके लिए गए थे क्रिकेट खेलने के अलावा बाकी सारे कारनामे करतूत दो टके की हरकतें करते हुए वापस पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया इन बहरतों ने। क्या बाबर आजम जैसा कप्तान हो देखे, बाबर का टेन्योर खत्म हो गया, चूना लगाया है या लिपस्टिक लगाई है, ये एंड्रू साइमन बन रहा है। हालांकि मरूम के एक होठ में ये पूरा आ जाए, इतने मोटे होठ होते थे एंड्रू साइमन के। एक गलत फैसले से एक कौम जो आज कई 19 नवंबर तक रोती रहेगी। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको किलो किलो आटा मिले, वर्ल्ड कप की कभी ना याद आए, जिम्बाब्वे में इतना प्यार मिले। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में पाकिस्तान के चौथी हार से पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो गया है, यानी समझिए तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। इसमें पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी मीडिया का रोज रोज की तरह रोना धोना शुरू हो गया है, तो चलिए हम लोग भी इस रोना धोना में शरीक हो जाते हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और मेरे पास इस टाइम अल्फाज नहीं है कि भाई मैं अपनी फीलिंग जो है वो आपके साथ बयान करूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है इस टाइम कि मैं अपनी फीलिंग आपके साथ बयान करूं कि भाई क्या हुआ आज के मैच में और किस तरह से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। हमारी वर्ल्ड क्लास हुआ आज के मैच में और किस तरह से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। हमारी लास्ट के जो है वो 8 ओवर्स में दो खिलाड़ी आउट नहीं करने हुए, दो खिलाड़ी आउट नहीं करने हुए हमारी बॉलिंग से लास्ट जो है वो 8 ओवर में। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग ये बनी फिरती है। क्वालिफाई करने वाले, इनकी शक्लें हैं, इनकी शक्लें लानते भेजने वाली हैं। इनके इनसे बंदा गटर साफ करवाए, इनसे खान बाबा तवे पीस पे जाके किचन में इनसे बर्तन धुलाओ, इनको पता लगे। 60-60 लाख जो है ए कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट के उनके जो है मंथली सैलरी है बाबर आजम लोगों की, 40-40 लाख बी कैटेगरी के प्लेयर्स की है। इतनी ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं, वज़ीर आज़म से ज़्यादा ये बंदे तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन खेलने का ढंग नहीं आता, शर्म आया, गैरत डूब के मर जाना चाहिए इनको। भाई आप क्रिकेट को छोड़ें, आप इधर आएँ, कुछ चने वने की रेडी लगाएँ, वेटरी करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप हुकूमत से इजाज़त लें, फ़लस्तीन जाएँ, वहाँ पे जाके हमें भी साथ ले जाएं, मुसलमानों के लिए अल्लाह के लिए जिहाद करें। अगर आप शहीद हो गए कम से कम जन्नत में तो जाओगे, पाकिस्तान के लिए तो आपने कुछ नहीं करना। सिर्फ आप 60 लाख तनख्वाह लेते हो महीने की, और उसके बाद जब आपसे पूछा जाता है, अकेले रिजवान ने पाकिस्तान का ठेका नहीं लिया हुआ या अकेले बाबर ने ठेका नहीं लिया हुआ। मैं निगरान वज़ीर आज़म को भी यही कहूँगा कि भाई आप एक काम करो कि दुनिया में जो है ना अपना नाम पैदा करो, जिस तरह हिटलर करके गया था कि उसने सारी टीम का सत्यानाश कर दिया और गोलियां मारी। इनको वापसी पे बुलाओ, ठीक है, वापसी बुला के पहले गंदे अंडे और टमाटर मारो इनके मुंह पे, फिर लिबर्टी में जो है इनको जनाब सिर्फ इनके पास सिर्फ अंडरवेयर हो और इनको नंगा करके इनको गोलियां मारो। इनको पता चले कि आपने जितनी बदनामी हमारी करवाई है उतने बदनाम तुम भी हो रहे हो। पाकिस्तान ओवरऑल प्रेशर ले गया और भाईजान पाकिस्तान से गए हुए गधे, पाकिस्तान से गए हुए टट्टू, पाकिस्तान से गए हुए सियासतदान, पाकिस्तान से गए हुए दोस्त यार, पाकिस्तान से गए हुए मौलवी, इंडिया में नमाजें पढ़ने वाले, अपना काम जिसके लिए गए थे क्रिकेट खेलने के अलावा बाकी सारे कारनामे करतूत दो टके की हरकतें करते हुए वापस पाकिस्तान के एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया इन बहरतों ने। इनका एक काम था जिस काम के लिए भेजा था इंडिया में, क्रिकेट खेलना, वो क्रिकेट खेलने के अलावा इन्होंने सब किया, हर वो हरकतें की, हर वो ड्रामेबाजियां की, हर वो रमतोपें की, बस क्रिकेट नहीं खेली, क्योंकि ये क्रिकेटर तो है ही नहीं। आज साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से लेके आया, फिर भी शाहीन ने मैच में ले आया, फिर भी शाहीन ने पाकिस्तान को मैच में रखा। ठीक है, हरीश राउत ने बहुत मार खाई, बट व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच फॉलो थ्रू में अपनी बॉल पे, और
दूसरी तरफ से गाय पकड़ लेना। ओहो देखे, मैं बहुत खुश हूं पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस से। आई एम नॉट अपसेट, आई एम सिंपली नॉट अपसेट। जहां बेगैरत किस्म के बोर्ड में वो लोग, जहां पे लुटेरे और बेचने वाले मुल्क फरोश जमीर फरोश हो, जहां बाहर से पानी की बोतल भेज के चीजें चेंज की जाए, जहां फिटनेस ना हो, जहां टीम को हराने की साजिशें की जाए, जिस मुल्क में क्रिकेटिंग इलिटरेट हो, जहां बाबर आजम जैसा कप्तान हो। देखे बाबर का टेन्योर खत्म हो गया और ये होना ही था। 3.5 साल इसने मनमानी की, इसने विराट कोहली समझ लिया था। ही इज नॉट विराट कोहली, ही इज नॉट आई ऑफ विराट कोहली के, तो बहुत दूर की बात है। बात यह है कि जो करता है जैसी करनी वैसी बरनी, दोस्तियां यारियां पालता रहा। उसामा बाहर चला गया था इस वजह से उसको। बाकी देखें, मैं समझता हूं पाकिस्तान की टीम ने पूरी फाइट की, वार ने ये किया, फलाने ने वो किया, डूसन का जो है वो अंपायर्स कॉल पे हमें आउट मिला और ये हमें नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं। देखें मैं समझता हूं मैच 47 ओवर तक अलाइव रहा, 47 ओवर। जितने भी इंडिया के पंडित हैं ना इस वक्त, अच्छा, वो मंदिरों में बैठे हुए हैं सर। अच्छा। और डे नाइट वहाँ पे इनके ऊपर जो है ना कुछ फूंका जा रहा है। अच्छा। और टीम हमारी जल्दी वापस आ रही है बस। ये कैसी लॉजिक दी है? देखे मैं एक मिनट के लिए बात करता हूँ आज के, और आप सर टीचर हैं, आपने ये मजाक में बात की होगी या सीरियस बात की है? और सर बड़ी बात है उधर, वो तो एक एक स्टेप के ऊपर पंडित जो बैठ के वो जायचे निकालते हैं ये वो। तो फिर इधर जो मौलाना हजरात बैठे हैं, फिर दुनिया भर में मौलाना हजरात बैठे हैं, दुआ करके जिता दें। बताएं कौन वर्ल्ड कप जीता, कौन नजर आ रहा है फाइनल में, सेमीफाइनल में, कौन सी चार टीम? आप में जो फॉर्मर क्रिकेटर जारो जका शरफ के पास अगर वाकई आप में पाकिस्तान का दर्द है, तो सबसे पहले इस टीम को बर्बाद करने वाले इस शब्बे राती को, ये जो इतनी मोटे मोटे होट करके भाई इसने जो लगाया, पता नहीं इसने चूना लगाया है या लिपस्टिक लगाई है, ये एंड्रू साइमन बन रहा है। हालांकि मरूम के एक होट में ये पूरा आ जाए, इतने मोटे होट होते थे एंड्रू साइमन के। और एंड्रू साइमंड ने तो हमें जोहान्सबर्ग में इतना मारा था, जाके वसीम भाई से पूछ लो। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से अगर साउथ अफ्रीका को आप ना लिटा सके 7 विकेटें गिरने के बाद, जब वो आउट होके गया, कोविड से आउट होके गया, उसके बाद मार्करम भी आपने ले लिया, मुझे उससे डर था वो स्ट्राइकिंग कर गया, सब कुछ खत्म हो गया, ये वर्ल्ड कप भी एक तरह से खत्म हो गया, पता चल गया कौन सी टॉप फोर है। बेशक क्लोज मैच चाहते थे ना वर्ल्ड कप के अंदर, मिल गया क्लोज मैच, कर लो उसके बाद क्लोज मैच, ये चाहते थे ना क्लोज मैच, हो गया क्लोज मैच। अब मुझे बता दो किस मैच की वैल्यू है, सारे मैचेस बोंगे हो गए हैं, पता चल गया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका क्वालिफाई नहीं। अगर आपकी अंपायरिंग का मैयार ये है तो आप तो जिस मर्जी को हराएंगे और जितवाएंगे, आप जो मर्जी करते रहेंगे, आपको नजर नहीं आ रहा आप इतनी हाईली पेड आप होते हैं, और आपका आपके यहाँ पे गलत डिसीजन करना। एक शानदार उस बंदे ने कमबैक किया और सीधा सबको पता लग रहा है कि अंदर लग रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।